दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं आपका दोस्त प्रदीप मलिक आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ विद प्रदीप में आपका स्वागत करता हूं। जैसे आप सभी को पता है कि मैं आपके लिए हेल्थ रिलेटेड नई नई बीमारियों के बारे में बताता रहता हूं और उनके समाधान के बारे में भी आपको बताता रहता हूं। आज मैं आपको एक ऐसी बीमारी के सॉल्यूशन के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही मोस्ट कॉमन समस्या हो गई है, और वह समस्या है हार्ट की प्रॉब्लम। ब्लड प्रेशर बढ़ना, हार्ट अटैक का डर, हर एक इंसान के मन में हार्ट की प्रॉब्लम और हार्ट अटैक का डर बैठ गया है। तो दोस्तों, इस समस्या से बचने के लिए मैं कुछ आपको देसी नुस्खे के बारे में बताऊंगा और कुछ एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा, और बताऊंगा कि हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट अटैक कैसे पड़ता है और हमें कैसे बचना है। तो वीडियो बड़ी ही काम की होने वाली है, वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि इसमें आज बहुत बहुत महत्वपूर्ण बारीकी से मैं हार्ट के बारे में आपको बताऊंगा जो आपकी सेहत के लिए फायदेमंद होगा। और अगर आप इन सब जो मैं वीडियो में टिप्स बताने जा रहा हूँ, अगर इन सब का पालन करते हैं तो 100% आप हार्ट की प्रॉब्लम से बच जाएंगे। तो वीडियो को बगैर देर गवाए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हार्ट की प्रॉब्लम होती क्यों है? हार्ट की प्रॉब्लम के तीन मुख्य कारण होते हैं। पहला, हमारे जो हार्ट की जो नसें हैं उसके अंदर ब्लॉकेज हो जाना, जिसे बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना। जब जो हार्ट में जाने वाली नसें हैं उनके अंदर कचरा भर जाता है, ये समझिए हिंदी भाषा में, या ब्लॉकेज आ जाता है, तो हार्ट को पंपिंग करने में बहुत दिक्कत कठिनाई पड़ती है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो सबसे पहले हमें कोलेस्ट्रॉल जो है अपनी बॉडी का मेंटेन रखना है, कोलेस्ट्रॉल यानी खून में थक्का ना जमने पाए, उसके लिए हम कुछ देसी उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे हमारा कोलेस्ट्रॉल 100% कम होगा। उसके लिए दोस्तों सबसे पहले हमें व्यायाम करना है। व्यायाम करने से हमारे जो शरीर का जो टॉक्सिन है वो बाहर निकलता है, पसीने के द्वारा भी दोस्तों कोलेस्ट्रॉल कम होता है। इसके लिए दोस्तों सुबह सुबह 10 से 20 मिनट हमें व्यायाम करना चाहिए, और सुबह सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीना है। और कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए मैं कुछ आपको एक छोटा सा उपाय बताने जा रहा हूँ। आपको लहसुन की 2 या 3 कली शहद में डालकर लेने से आपकी जो कोलेस्ट्रॉल की समस्या है वो पूर्णतः ठीक हो जाती है। इसके लिए आपको लहसुन की कलियों को छील कर साफ कर किसी शहद के कांच वाले बर्तन में रख देना है, और सुबह उठते ही 1 चम्मच शहद और 2-3 कली वो ले लेनी है और गुनगुने पानी में घोलकर उसे पी लेना है। मात्र एक इसी नुस्खे से दोस्तों हमारे हार्ट की जो कोलेस्ट्रॉल है, जो चर्बी हमारी जो नसों में बढ़ गई है, वो 100% कम हो जाएगी। यूं कहें तो कोलेस्ट्रॉल की समस्या अगर हम इस नुस्खे का सेवन करते हैं तो 100% ये समस्या दूर हो जाती है। और साथ साथ में जो मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज, थोड़ा सा योग आपको बताने जा रहा हूँ, वो करने से आपके जो हार्ट संबंधित प्रॉब्लम है वो कभी नहीं होगी, आप उससे बच सकते हैं। और बहुत सारी हम दवाइयों से और अपने जो दवाइयों से बच सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले दोस्तों हमें जो है अनुलोम विलोम करना है। अनुलोम विलोम करने से जो हमारे हार्ट कोलेस्ट्रॉल की समस्या है वो दूर होती है। उसके लिए बाई नाक से, बाई स्वर से हमें सांस लेना है और दाहिने में छोड़ना है, फिर दाहिने से लेना है और बाई में छोड़ लेना है। ये क्रिया हमें 10 से 15 मिनट करनी है। दूसरा दोस्तों, हम लंबा गहरा सांस लें
और सांस को गलाने का प्रयास करें और सांस को चेस्ट में भरकर रोकने का प्रयास करें। जितना हमारा सांस हम चेस्ट में रोकते हैं, इसी से पता चल जाता है कि हमारा हार्ट, हमारा लंग्स कितना मजबूत है। तो इसका अभ्यास करें और इस क्रिया को बढ़ाने का प्रयास करें। उसके लिए हम लंबा गहरा सांस लेते हैं और उस सांस को अपनी चेस्ट में भर लेते हैं, जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूं। यहां इस चेस्ट में वो सांस भर लेना है। और धीरे धीरे उस सांस को छोड़ देना है। जितना हमारा लंबा गहरा सांस होगा, हमारा उतना ही दिल मजबूत होगा। यूं कहें तो जितना हम अपना सांस भरकर चेस्ट में रोक सकते हैं, समझ लो उतना ही हमारा हार्ट मजबूत है। दूसरी समस्या दोस्तों हार्ट प्रॉब्लम की होती है, उसे बोलते हैं एंजाइटी डिप्रेशन। मानसिक तनाव, अवसाद, उसकी वजह से भी हार्ट की प्रॉब्लम होने लगती है, दिल घबराने लगता है। छोटी छोटी बातों की टेंशन लेना, एंजाइटी लेना, छोटी छोटी चीज में डर लगना, भय लगना, फोबिया, किसी भी चीज का डर, चिंता, ये भी कुछ मुख्य कारण है जिससे हमारे हार्ट की प्रॉब्लम होती है, हमारा दिल घबराने लगता है। उसके लिए दोस्तों सबसे बड़ी है जो हमें बचना है, उसके लिए मेडिटेशन। अगर आप रोज 5 से 10 मिनट मेडिटेशन करेंगे तो 100% आप कुछ दिल घबराने की समस्या है, एंजाइटी की समस्या है, डिप्रेशन की समस्या है, तनाव होता है, डर लगता है, घबराहट फील होती है, उसकी समस्या से आपको फायदा मिलेगा। उसके लिए हमें दोस्तों सबसे पहले आंखें बंद कर लेनी है, एक कमरे में बैठकर ध्यान करना है। मेडिटेशन ध्यान को बोलते हैं और ध्यान किस चीज का करना है, कैसे करना है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले दोस्तों आंखें बंद कर ओम का उच्चारण करना है। ओम, यह सोचना है कि ये जो ध्वनि जो हमारे अंदर शंखनाद सा बज रहा है, ये कहां से आ रही, उस ध्वनि का अनुसरण करना ही मेडिटेशन बोलते हैं। तो जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो ये हमारी ध्वनि जो ओम की आवाज आती है, हमें उस आवाज को सरल भाषा में समझना है, इस पर ध्यान लगाना है कि ये सांस, ये जो आवाज है, ये कहां से आ रही है। मेडिटेशन के दूसरा टॉपिक में बताने जा रहा हूँ दोस्तों, हमें लंबी लंबी गहरी गहरी सांस लेनी है और अपनी सांसों का ध्यान करना है। और ये ध्यान रखना है, केंद्रित अपना जो ध्यान है ये केंद्रित करना है कि ये सांस कैसे हमारी बॉडी के अंदर जा रही है और कैसे हमारी बॉडी के बाहर जा रही है, इसका हमें ध्यान करना है। जब हम सांस लंबी गहरी सांस लेते हैं तो जो सांस हमारी बॉडी के अंदर आ रही है और जैसे हम उस सांस को छोड़े, इन सांसों का अनुसरण करना, इनका ध्यान करना, ये भी मेडिटेशन का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। तीसरा दोस्तों, हमें आंख बंद करके बैठ जाना है और अपने पूरे बॉडी स्ट्रक्चर, यूं कहें पूरे बॉडी के अंगों का ध्यान करना है। हमें ध्यान करना है कि हमारा फेस कैसा है, हमारे हाथ कैसे हैं, हमारे पैर कैसे हैं, यानी कि अपना पूरा बॉडी स्ट्रक्चर पर ध्यान लगाना। अगर हम ऐसा करते हैं
तो दोस्तों हमें जो एंजाइटी, डिप्रेशन, हार्ट की प्रॉब्लम, इससे 100% फायदा मिलता है। तो आंख बंद करके हम ध्यान करेंगे अपने पैरों के तलवे पर, फिर धीरे धीरे उसे ऊपर ले जाएंगे और ध्यान करेंगे पिंडलियों का, फिर अपने घुटनों का, फिर अपने पूरे धीरे धीरे करकर पूरी बॉडी स्ट्रक्चर का हम ध्यान लगाएंगे। दोस्तों अगर हम इस क्रिया को 5 से 10 मिनट करते हैं तो हमारी जो घबराहट की समस्या है, एंजाइटी की समस्या है और डिप्रेशन की समस्या है वो दूर होगी। तीसरा दोस्तों, हार्ट से बचने के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, हमें ज्यादातर कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें से, यानी कि तली हुई चीजों से बचना है और एक सात्विक भोजन हमें लेना है और सुबह सुबह योग और एक्सरसाइज करना है, जिससे हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है, जो हमारे जो जो पसीना है, जो टॉक्सिन है बॉडी के अंदर, जो ये गंदगी भर जाती है तो पसीने के रूप में वो टॉक्सिन बाहर निकलने लगते हैं। तो हमें अगर हार्ट की प्रॉब्लम से बचना है तो सुबह सवेरा 10 से 20 मिनट तक एक्सरसाइज करनी है। और एक्सरसाइज भी बहुत से हमारे भाई बहन कहने लगते हैं कि हमारा शरीर जो बहुत मोटा है, हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो उनके लिए जैरोबिक एक्सरसाइज, जॉगिंग एक्सरसाइज, बहुत हल्की हल्की एक्सरसाइज जो मैंने और वीडियो में बना रखी हैं, आप उन एक्सरसाइज को करके भी अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकते हैं और हार्ट की समस्या से आप बच सकते हैं। और जो हमारे भाई बहन हेल्थी है, वो अपनी जॉगिंग एक्सरसाइज बहुत तेज अपना पसीना निकालना है, बॉडी का जो टॉक्सिन है उसे निकालना है। तो 100% अगर आप इन सब चीजों का पालन करते हैं तो मैं लिख कर दावे से कह सकता हूं कि आपको हार्ट की समस्या कभी जीवन में नहीं होगी। क्योंकि जब आपके कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अंदर जो चर्बी है, गंदगी है, वो नहीं रहेगी, खून नसों में पूरा सही कर हमारा जो हार्ट है उसे पंपिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी, तो हार्ट की समस्या आपको बिल्कुल नहीं होगी। हमें अपना खान पान सुधारना है। और एक आखिरी बात, हमारा जो लाइफ स्टाइल वो इतना खराब हो गया है कि हम सुबह को जाते हैं और दफ्तर से रात को देर रात तक आते हैं और रात को आने के बाद हम अक्सर पेट भर कर खाना खाते हैं। दोस्तों शाम के दिन छिपने के बाद रात को 9-10 बजे लेट खाना, वो हमारे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, वो खाना पचता नहीं है, वो सड़ता है, जिसके कारण भी हमें गैस्ट्राइटिस, गैस की प्रॉब्लम, एसिडिक समस्या और ये कोलेस्ट्रॉल की समस्या उत्पन्न होती है। तो हो सके तो जब ऑफिस जाएं अपना दोपहर का खाना लेकर साथ जाएं और शाम के नंबर में हो सके तो केवल लिक्विड का ही प्रयोग करें। हो सके तो शाम के नंबर में सिर्फ दिन छिपने के बाद दूध का ही सेवन करें। अगर हम दोस्तों शाम को दिन छिपने के बाद दूध का सेवन करते हैं तो दूध हमारे पाचन क्रिया को भी बढ़ाता है। दोस्तों शाम के जो वक्त का दूध है वो हमारी पूरी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्दी होता है, तो इसलिए हम शाम के नंबर में लिक्विड का प्रयोग करें, केवल दूध का ही प्रयोग करें। अगर हम इस लाइफ स्टाइल को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम 100% हार्ट की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। दोस्तों अगर मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो ये जानकारी हर एक व्यक्ति तक शेयर करें, पहुँचाएँ, और मुझसे जो कोई त्रुटि हो तो कमेंट करें और मेरे चैनल हेल्प विद प्रदीप को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।